हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम हमारे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने मेंडेलियन के बारे में आपको कुछ बताया था। तो मेंडेलियन ने क्या किया था बच्चों, मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल उसको देख लेते। मेंडेलियन ने एक स्टेटमेंट वाइज उसने पीरियोडिक टेबल में अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। देखो कैसे किया था उसने, क्या बोला था यहाँ पर, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। उसका स्टेटमेंट क्या था, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होता है। ये उसने मेंडेलीव ने बोला था। अब मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, उसको अब हम समझते हैं यहाँ पर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल उसने कैसे बनाया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल आप लोगों का कैसे बनाया उसको समझ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या था समझना। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल ने सबसे पहले उसने कुछ वर्टिकल कॉलम डिसाइड किए और कुछ हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल ने, अब उसको समझ लेते हैं एक करके। ठीक है, मेंडेलीव ने क्या किया उसको समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ पर मेंडेलीव ने आप लोगों का यहाँ पर किस तरीके से उसने पीरियोडिक टेबल को डिसाइड किया। ठीक है, एक्चुअली उसने लूथर बेरेंट ने भी आपको बताया था सेम चीज। ठीक है, लूथर बेरेंट ने भी आपका सेम चीज बताया था, लूथर बेरेंट ने भी आपका इसी तरीके से चीज बताया था, लेकिन लूथर बेरेंट को क्रेडिट नहीं दिया, क्रेडिट किसको गया, मेंडेलीव को। मेंडेलीव ने क्या किया, मेंडेलीव वर डिवाइडेड पीरियोडिक टेबल इन टू रोज। फर्स्ट रो आपको कौन सा था हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, और सेकेंड रो आपका कौन सा था बच्चों, वर्टिकल रो। समझना किस तरीके से बनाया उसने, वर्टिकल रो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो को फर्दर हमने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल रो को हमने बोला बच्चों यहाँ पर पीरियड्स। ठीक है, और वर्टिकल रो को क्या बोला उसने, वर्टिकल रो को उसने बोला ग्रुप। ठीक है, पीरियड्स में प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती, पीरियड्स में आपकी क्या होती बच्चों, प्रॉपर्टीज आर नॉट सिमिलर। यहां पर आपकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती बच्चों। ठीक है, लेकिन ग्रुप्स में क्या होती है बच्चों, सेम ग्रुप एलिमेंट आर सिमिलर इन प्रॉपर्टी, सेम ग्रुप एलिमेंट्स आर सिमिलर इन प्रॉपर्टी, सेम ग्रुप के एलिमेंट आपके प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी दिखाते हैं। ये उसने बोला, सेम ग्रुप के एलिमेंट आपके प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी दिखाते हैं, बट आपके पीरियड्स में आपके सिमिलरिटी नहीं दिखाते। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, फर्दर There are eight types of vertical row. कितने टाइप के वर्टिकल रो होंगे बच्चों इसके पीरियोडिक टेबल में, 8 टाइप के वर्टिकल रो, या फिर उसको क्या बोला गया बच्चों, ग्रुप्स। उसको क्या बोला गया, ग्रुप्स। 8 टाइप के वर्टिकल रो थे, ग्रुप्स थे। कौन कौन से बच्चों, एक था हमारा फर्स्ट, सेकेंड, उसको रोमन नंबर से बोला, थर्ड, फिर हमारा था फोर्थ, फिर हमारा था फिफ्थ, फिर हमारा था सिक्स, फिर सेवंथ, फिर हमारा था एट्थ। ठीक है,
अब इस बात को जान लो, आपको काफी इजी है ठीक है। फर्स्ट टू सेवंथ ग्रुप आर वर सब डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, मतलब इसको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया, मतलब इसको फर्दर किसने दो ग्रुप में डिवाइड किया, कौन कौन से, फर्स्ट ग्रुप को, जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट ग्रुप को फर्स्ट ए, सेकंड बी, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ग्रुप को सेकंड ए सेकंड बी, इसी तरीके से थर्ड ग्रुप को भी उसने इस तरीके से ए और बी में कैटेगराइज किया ठीक है। उसके बाद उसने मेंडेलियन ने क्या किया, मेंडेलियन ने बच्चों यहाँ पर इसके बाद उसने यहाँ पर फर्स्ट ए सेकंड ए ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया कि उसने हॉरिजॉन्टल रोज को भी डिवाइड किए ठीक है। तो उसने क्या किया बच्चों, ठीक है, देयर आर सिक्स टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल रो, देयर आर सिक्स टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज। यहाँ पर छह टाइप के आपके हॉरिजॉन्टल रो है, कौन कौन से बच्चों, आपके यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, एंड 4, 5, 6 वो हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग पीरियड बोलते हैं। पीरियड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से उसने अपना पीरियोडिक टेबल का कुछ बताया ठीक है। इस तरीके से उसने पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया, ये फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल है बच्चों ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहां पर इसमें खास बात क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं ठीक है। और इसमें क्या किया इसमें, हाँ, फोर्थ इसमें देयर आर मैनी गैप्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल फॉर फ्यूचर डिस्कवरी। यहाँ पर फ्यूचर डिस्कवरी के लिए आपके ग्रुप प्रेजेंट थे। अब मेनली बात यह है कि मेनली पीरियोडिक टेबल के टाइम में केवल और केवल only 63 elements were discovered, मतलब 63 elements आपके क्या हुए थे बच्चों, discovered हुए थे उस टाइम तक ठीक है। इतने आपके elements आपके discovered हो चुके थे। चलो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से उसने periodic table form किया। अब मैं उसको कुछ periodic table बताता हूँ आप लोगों को, मैं उसका periodic table बताता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। उसी में हम लोग इसकी इसका मतलब drawback भी ढूंढ लेंगे और इसी में हम लोग इसका सब कुछ कर लेंगे ठीक है। इसी में हम लोग इसका ड्रॉबैक भी ढूंढ लेंगे बच्चों ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉबैक इसको, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ और ये एट्थ ठीक है। इसी में मैं आपको ड्रॉबैक बता दूंगा इसका, इसका क्या ड्रॉबैक रहा मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल का ठीक है। ये इसके बाद यहां पर इधर ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स को कौन कौन से, फर्स्ट ए ग्रुप में आपके किस टाइप के ऑक्साइड बने, R2O ठीक है, RH इसने आपके कौन सा बनाया, RO
आर एच टू, इसमें आपको कौन सा बनाया आर टू ओ थ्री, और इसमें आपका आर एच थ्री, इसमें आपको कौन सा बनाया आर ओ टू, और यहाँ पर आर एच फोर, ठीक है, यहाँ पर कौन सा बनाया आर टू ओ फाइव, और यहाँ पर आर एच थ्री, आर टू आर ओ थ्री आर एच टू, यहाँ पर आर ओ फाइव, आर टू ओ सेवन, और यहाँ पर आर एच वो आर एच, ठीक है, इस टाइप का उसमें कुछ आपके ऑक्साइड्स को भी बताएं। ऑक्साइड्स का बताने का रीजन क्या है, कहाँ से आया है, ये सब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। इसमें आर ओ फोर टाइप का बनाया, ठीक है, ये इस तरीके से बनाया। अब मैं इसमें नाइट्रोजन देता हूं, ठीक है, आप लोगों को इतना नहीं करना, आप लोगों को बस समझना है कि मेंडेली पीरियोडिक टेबल में क्या क्या प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम बताने के लिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल बता रहा हूं, आप लोगों को समझना चाहिए पीरियोडिक टेबल। इसकी खास बात देखो, किसी का अगर प्रॉब्लम निकालना होगा तो हम लोग उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, हम लोगों को पता नहीं पड़ेगा, हम लोगों को याद भी नहीं रहेगा, लेकिन अगर हमको पीरियोडिक टेबल याद रहेगा तो हम उसकी कहीं मतलब डिसएडवांटेज और डीमेरिट हम लोग तो तुरंत तुरंत निकाल सकते हैं। ये खास बात थी, इसलिए मैं हमेशा ये बनाता हूँ। फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप ये हो गया आपका, सेकेंड छह पीरियड बनाने में जो, थर्ड फोर्थ, फोर्थ को दो पार्ट में, फर्स्ट सीरीज और यहां पर सेकेंड सीरीज, ठीक है, फोर्थ को दो पार्ट में, इसी तरीके से फिफ्थ को भी दो पार्ट में, और यहां पर इसने सिक्स को भी दो पार्ट में कर दिया। किसको बच्चों? सिक्स को भी दो पार्ट में कर दिया, ठीक है। इस तरीके से उसने यहां पर पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया, सिक्स को भी दो पार्ट में आप लोगों का कर दिया उसने, ठीक है। अब मैं एलिमेंट भरूंगा, आप लोग तरीका समझो किस तरीके से मैं एलिमेंट भर रहा हूं, फिर आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यहां पर भी फिफ्थ के भी फर्स्ट सीरीज और यहां पर सेकेंड सीरीज, सिक्स का भी आपका फर्स्ट सीरीज और यहां पर आपके सेकंड सीरीज, ठीक है, ये ध्यान रखो। चलो ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि उसने एलिमेंट किस तरीके से भरा। देखो इसके तो तीन पार्ट नहीं किए उसने, उसने एलिमेंट कैसे भरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को उसमें कहीं हद तक आ जाएगा। और इसमें दो पार्ट है आपके, ये हो गया ए वाला पोर्शन, ये हो गया बी वाला, ये हो गया ए वाला, ये हो गया बी वाला, ये हो गया ए वाला, ये हो गया बी वाला, ये ए वाला और ये बी वाला, ये ए बी, इसी तरीके से क्या करा उसने, देखो पांच वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी और वर्टिकल लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, ये ए वाला पोर्शन और ये बी वाला पोर्शन, ठीक है, इस तरीके से उसने वर्टिकल पार्ट किया था। देख लो अब इसमें देख लेते हैं, यहां पर ह ली ना के ना, ठीक है, हलीना के, अब देखो यहां पर हलीना के रब सेफ है, ठीक है, ये भर दिया उसने, ठीक है। इसके बाद यहां पर ए वो ए में भर लो आप लोग, ठीक है, ए में क्या आएगा बेटा, आपको एस ब्लॉक एलिमेंट, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है, इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब इसमें उसने क्या भरा, यहां पर उसने पी ब्लॉक एलिमेंट भरा, ठीक है, यहां पर तो यहां पर एस ब्लॉक एलिमेंट के बाद जस्ट आपका क्या आया बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट की जस्ट बाद आपका क्या आया बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट को उसने कैसे भरा, ब्रिटेन के ऑल, ठीक है, ऑल ब्रिटेन के ऑल, ठीक, यहां पर हो गया ब्रिटेन के ऑल, ब्रिटेन के ऑल गंजे इंडिका तेल बेचे, ठीक है, इंडिका तेल बेचे,
यहाँ पर आ जाएगा ब्रिटेन के बाद कौन सा कारण, कहे शिव जी सुने पार्वती। ठीक है, अब यहां पर मैं कुछ कुछ एलिमेंट को हटाऊंगा बच्चों, रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, ओ सुनील सेठी तेरी पावर। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया, फिर कल बाहर आई आरती। ठीक है, इसके बाद मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट आप लोगों को शॉर्टकट बताया था, उसको हम लोग भरते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैसे भरेंगे बच्चों, यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन के बाद, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन, यहाँ पर आ जाएगा फे को नी। ठीक है, फे को नी। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा क्यों जान जलाती हो, तो देखो किस तरीके से भरो, तरीका समझो। ठीक है, एक बार खुद से भी भरने की कोशिश करना। इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर ये जरा नवाब, सेकंड वाली लाइन कौन सी, ये जरा नवाब मौत तक रूह रहेगी पढ़ाई आगे करेंगे। ठीक है, इसके बाद कौन सा था आपका, इसके बाद आपको इतना जानना नहीं है। इसके बाद नीचे आ जाएगा HG और यहां पर आ जाएगा AU। ठीक है, इस तरीके से उसने पीरियोडिक टेबल आप लोगों का बनाया। अब पीरियोडिक टेबल में मैं जो रेड वाला बोल रहा हूँ वो आप लोगों को हटाना है, मतलब स्कैंडियम हटा दिया, गैलियम हटा दिया। ठीक है, स्कैंडियम हटा दिया, गैलियम हटा दिया और जर्मेनियम, और यहां पर आपका टेक्टेनियम। देखो क्या हुआ, जो रेड रेड वाला मैंने हटाया उस टाइम तक इसको डिस्कवर नहीं किया गया था, उस टाइम तक इसको डिस्कवर नहीं किया किया गया था, लेकिन उसने क्या किया था, यहाँ पर उसने कुछ स्पेस छोड़े थे, यहाँ पर उसने कुछ स्पेस छोड़े थे। अब समझना ध्यान से बात को, यहीं पर यहाँ पर उसने कुछ क्या छोड़े थे बच्चों, स्पेस छोड़े थे। अब स्पेस छोड़ दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर जो स्पेस छोड़ा उसका नाम क्या बोलते हैं इसे, एका बोरोन, क्योंकि बोरोन के नीचे है ना बेटा, ये आपका बोरोन के नीचे आ रहा है तो इसलिए एका बोरोन। यहाँ जो स्पेस छोड़ा हुआ एल्यूमिनियम के नीचे आ रहा है तो इसलिए इसको क्या नाम बोल दिया, एका एल्यूमिनियम। अब यहाँ जो स्पेस छोड़ा उसको क्या बोला, यहाँ स्पेस छोड़ा तो यहाँ पर बोला एका सिलिकॉन, और यहाँ जो स्पेस छोड़ा उसको क्या बोला जाएगा बच्चों, एका मैग्नीज। क्या बोला जाएगा, एका मैग्नीज। ठीक है, एका मैग्नीज। अब समझना बच्चों, यहां पर एका बोरोन आपका कौन है, एका बोरोन आपका है स्कैंडियम। एका बोरोन आपका कौन सा बच्चों, स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम आपका कौन सा बच्चों, यहां पर। ठीक है, एका एल्यूमिनियम आपका है जर्मेनियम। ठीक है, एका सिलिकॉन आपका कौन सा बेटा, देख लेते यहां पर गैलियम। एका एल्यूमिनियम आपका कौन सा बच्चों, गैलियम है Ga, और यहां पर आपका ये जर्मेनियम है। एका मैग्नीज आपका कौन सा बच्चों, टेक्टेनियम। कौन सा बच्चों, टेक्टेनियम। इस तरीके से हमारा यहाँ पर उसने, अब आपसे ऑप्शन में पूछा ही जा सकता है मैच द कॉलम में, एका बोरोन कौन है, एका सिलिकॉन कौन है, एका मैंगनीज कौन है, ये मैच द कॉलम में आता है क्वेश्चन। इसलिए यहाँ पर आप लोगों को देखो, उसने स्पेस छोड़ के फ्यूचर डिस्कवरी कर ली थी, सबसे पॉइंट वाली बात। उसके बाद उसने क्या किया, उसने जो पीरियोडिक टेबल है उसको उसको उसने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। जब उसने एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो कुछ मास में उसको प्रॉब्लम आई, जैसे वैसे अगर इसके हिसाब से देखा जाए अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव तो निकल का मास आपका ज्यादा होना होना चाहिए कोबाल्ट से, लेकिन एक्चुअली में कोबाल्ट का मास ज्यादा होता है निकल से। ठीक है, इसके बाद उसने क्या किया, इसके बाद टेलुरियम और आयोडीन में भी उसकी प्रॉब्लम थी, उसकी प्रॉब्लम कहाँ थी, टेलुरियम और आयोडीन में भी उसको प्रॉब्लम आई। ठीक
ठीक है, यहां पर भी उसने इस तरीके से अरेंज किया, और पोटेशियम और वो ऑर्गन में भी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। इस तरीके से उसने मेंडले पीरियोडिक टेबल आप लोगों का ड्रॉ किया, जो कि काफी इजी था, ठीक है। अब देखो यहां पर एक और प्रॉब्लम आप लोग देख सकते हो, हाइड्रोजन का कोई यहां पर फिक्स प्लेस नहीं किया उसने, हाइड्रोजन का कोई भी यहां पर फिक्स प्लेस नहीं किया उसने, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम देखो ना, फर्स्ट ग्रुप में सिंगल एटम हो गए, तो यहां जो आपके पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की प्रॉपर्टी आपके कॉपर, एजी, एयू के साथ मैच नहीं खाती, समझ में आया। इसी तरीके से मैंने बोला यहां पर कैल्शियम, जी स्ट्रोंशियम और बेरियम, इसकी प्रॉपर्टी आपके जिंक, कैडमियम और एचजी के साथ मैच नहीं खाती। इसने चलो सब डिवाइड किया वो अलग बात है, लेकिन प्रॉपर्टी मैच नहीं खाती, ठीक है। और इसने देखा कि यहां पर एयू की प्रॉपर्टी आपकी किसी और से मैच खा रही है, एयू की प्रॉपर्टी आपके पीटी से मैच खाएगी, जो कि आपके अलग ग्रुप में होगा, ठीक है, अलग ग्रुप में होगा, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं ला हफ ता वरना रे, वरना रे ओसामा से इधर पिटा, ये भी लिख दिया चलो, ठीक है। अब देखो यहां पर प्लेटिनम आपके कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, एट ग्रुप से प्लेटिनम आपका बिलोंग करता है, और एयू आपके कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है बच्चों, यहां पर आपका फर्स्ट ग्रुप से, या फिर देखा जाए तो कॉपर की प्रॉपर्टी आपके मैक्सिमम डी ब्लॉक एलिमेंट से, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इन सब की प्रॉपर्टी आपकी सिमिलर होती है, ठीक है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, लेकिन इसने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को उसने रीअसेंबल कर दिया किससे, फर्स्ट ग्रुप से, मतलब अल्कली मेटल से, तो उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती है। तो इस तरीके से उसने कुछ पीरियोडिक टेबल बनाया था, जो आप लोग नोट डाउन कर लो। अब मैं आप लोगों को मेरिट ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल और डीमेरिट ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल के बारे में आप लोगों को बताता हूं। अब हम पहुंच गए कहां तक बच्चों, अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पास तक पहुंच गए, बिल्कुल ही पास तक पहुंच गए बच्चों, बस यहां तक हमने पीरियोडिक टेबल बना लिया, बस इसके बाद आप लोग मेंडली वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने लग जाओगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको एक दिन पहले आप लोगों को वो क्या बोलते हैं ट्रिक्स पहले ही बता दिए थे, ताकि मुझे यहाँ काम में आ जाए, ठीक है। अब आप लोग मेरी तरह एक बार बनाने की कोशिश करो, आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से उसने बनाया था, ठीक है। अब देखो उसने बॉक्स में कैसे भरा था वो आप लोगों को करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर, देखो सिंपली बोल जाता हूं, इन बॉक्स ऑफ फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में मैंने कैसे भरा, देखो अगर मैं बोलूंगा कि यहां पर मैंने बोल दिया सबसे ज्यादा हैवी आपका कौन सा ब्लॉक एलिमेंट होता है, सबसे ज्यादा हैवी होता है पी ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, और उसके बाद होता है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट। अब ये बताओ मैंने हैवी के कंपैरिजन में कर दिया, अब हैवी के कंपैरिजन में किया तो पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक एलिमेंट, तो जो आपका लाइटेस्ट होगा वो कहाँ आएगा, देखो जैसे फोर्थ ए ग्रुप है, फोर्थ ए में मैंने ऐसे भरा था, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ऐसे भरा था, बीच में एक इंडेक्स आया था, ऐसे भरा था मैंने, भरने का तरीका भी समझ लो उसमें कैसे भरा, ठीक है। अगर मुझे एक्चुअली यहाँ पर कॉपर और जिंक भरना है, तो ये फोर्थ ए ग्रुप का फर्स्ट और ये सेकेंड फर्स्ट रो और सेकेंड रो मैंने ऐसे बोल दिया, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट रो और सेकेंड रो। अब उसने फर्स्ट रो में कैसे भरा होगा बच्चों, समझना, अगर मेरे पास एस ब्लॉक और डी ब्लॉक आ जाए, मतलब एस ब्लॉक का कौन सा था बच्चों, पोटेशियम, और डी ब्लॉक का आपका कौन सा था बच्चों, डी ब्लॉक का आपका था यहाँ पर एस ब्लॉक का पोटेशियम, और डी ब्लॉक का आपका कौन सा था बच्चों, कॉपर। तो उसने क्या किया कि जो आपका लाइटेस्ट है उसको यहाँ रखा, लाइटेस्ट है उसको ऊपर रखा। अब इसी तरीके से मैंने देख लिया कि एस ब्लॉक छोड़ो, अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक में उसने क्या किया, पी ब्लॉक में उसने
जो आपका लेटेस्ट था उसको कहाँ रखा? पी ब्लॉक में जो आपका लेटेस्ट था उसको उसने ऊपर रखा। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में लेटेस्ट कौन है? डी ब्लॉक, तो उसको उसने ऊपर रखा है। डी ब्लॉक स्कैंडियम, डी ब्लॉक आपका क्या हो गया? स्कैंडियम। और उसी तरीके से आपका यहाँ पर स्कैंडियम और आपका पी ब्लॉक हैवी होगा तो वहां गैलियम। तो मतलब यहाँ पर जो सेकंड रो में रखते हैं हम किसको रखते हैं? हैवी एलिमेंट को। और फर्स्ट रो में हम किसको रखते हैं बच्चों? लाइटेस्ट एलिमेंट को। ठीक है, इस तरीके से उसने रखा था। बस आप जो जान लो बीच में फोर्थ फिफ्थ में आया होगा वेरिएशन, थोड़ा सा उसको समझो। ठीक है, इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये मैंने पीरियोडिक टेबल से ही निकाला है, ध्यान रखना। इन बॉक्स ऑफ फोर्थ फिफ्थ सिक्स, फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड के बॉक्स में क्या होगा बच्चों? पी ब्लॉक ना हैवी होगा। और ना यहाँ पर अगर आपका पी ब्लॉक हैवी होगा तो हैवी को उसने सेकंड रो में रखा और लाइट को उसने फर्स्ट रो में रखा। ठीक है, और भरने का तरीका ऐसा होता है कि हमेशा इस तरफ राइट कॉर्नर या हमेशा इस तरफ लेफ्ट कॉर्नर में पहले भरेंगे, उसके बाद उसको राइट कॉर्नर में भर देंगे, या फिर इसमें वेरिएशन हो सकता है। लेकिन इतना आप लोगों को जानना है, ठीक है, इतना आप लोगों को जान लेना है, इसमें वेरिएशन हो सकता है, इसमें वेरिएशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसने भरा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं मेरिट ऑफ मेंडलिव पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला मेरिट तो आप लोग खुद बहुत बता सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहला मेरिट है मेरिट्स ऑफ मेंडलिव पीरियोडिक टेबल, मेरिट्स ऑफ मेंडलिव पीरियोडिक टेबल। मेंडलिव पीरियोडिक टेबल के मेरिट क्या क्या रहे बच्चों? सबसे पहला मेरिट था उसने फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट को उसने डिसाइड कर दिया। मतलब ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेस ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेस फॉर फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट एंड हाँ उसने फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट को उसने बता दिया एंड एज वेल एज प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट आप लोगों ने जो प्रेडिक्ट टेबल बनाया उसको देख के समझो। फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट मतलब फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट को भी उसने प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट कर दिया। मतलब जो आपका समझ है यहाँ पर बोरोन था, बोरोन के लिए क्या बोला? एका बोरोन। एल्यूमिनियम क्या था बच्चों? एका एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के लिए एका सिलिकॉन। उसके बाद आपका कौन था बच्चों यहां पर? मैंगनीज, तो उसको क्या बोला? एका मैंगनीज। इसको नहीं बोला एक्चुअली इसके जस्ट नीचे वाले जो एलिमेंट था, जो आपका अनडिस्कवर्ड एलिमेंट था, उसको उसने एका बोरोन बोला। एल्यूमिनियम के नीचे मैंने देखो पीरियोडिक टेबल में बताया था, एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे जो आपका अनडिस्कवर्ड था उसको एका एल्यूमिनियम बोला। सिलिकॉन के नीचे जो अनडिस्कवर्ड था उसको क्या बोला? एका सिलिकॉन बोला। मैंगनीज के नीचे जो अनडिस्कवर्ड था उसको क्या बोला? एका मैंगनीज। और ये एक्चुअली में कौन कौन से एलिमेंट हुए बच्चों? ये एक्चुअली में आप लोगों में कौन कौन से एलिमेंट हुए? ये आपका हुआ स्कैंडियम, ये आपका हुआ गैलियम, ये आपका हुआ जर्मेनियम और ये आपका हुआ टेक्टिनियम। ये ध्यान रखो, ये अक्सर आपको मैच द कॉलम में पूछ लेगा नीट में, तो मैच द कॉलम में ये आपको पूछ लेगा। ठीक है, मैच द कॉलम में ये आपको पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर उसने फ्यूचर डिस्कवर तो कर लिया था एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ से उसकी डिमेरिट्स स्टार्ट हुई। डिमेरिट्स क्या क्या थे बच्चों? डिमेरिट्स एक और हम मेरिट बोल सकते हैं कि ही मतलब वी कैन
फॉर्म अ ग्रुप इन मेंडली पीरियोडिक टेबल, फॉर्म अ ग्रुप इन मेंडली पीरियोडिक टेबल एंड मेंडली पीरियोडिक टेबल फॉर नोबल गैस एलिमेंट कॉल्ड जीरो ग्रुप। मतलब उसने क्या बोला, अपने पीरियोडिक टेबल, मतलब अगर हम सोचेंगे कि हमारा मतलब नोबल गैस एलिमेंट आ गया, जब हमारा नोबल गैस एलिमेंट आ गया तो मुझे मेंडली पीरियोडिक टेबल को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम उसको एक अदर ग्रुप में डाल सकते थे और उसको हम क्या बोल सकते थे, जीरो ग्रुप। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा फायदा है मेरिट है बच्चों, ये भी इसका। तो इस तरीके से हमारा मेरिट ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बताया। अब हम समझते हैं डीमेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल, ठीक है। डीमेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल, काफी ज्यादा इसके डीमेरिट्स आए, ठीक है। डीमेरिट्स भी इसके काफी है बच्चों, जितना अच्छा पीरियोडिक टेबल उतना ज्यादा डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स को हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। पहला जो हमारा डीमेरिट था बच्चों, समझना, पहला हमारा डीमेरिट था मेंडलीव अरेंज द पीरियोडिक टेबल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। उसने एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, लेकिन सब यहां पर कुछ एनामलस एलिमेंट्स भी आ गए, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, यहां पर समझते हैं। बट सम पेयर इन ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट फॉलो दिस रूल, बट सम पेयर ऑफ एलिमेंट इज नॉट फॉलो दिस रूल। लाइक व्हाट कोबाल्ट निकल, मैंने आप लोगों को बताया था कोबाल्ट निकल। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल निकल का एटॉमिक मास, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर एटॉमिक मास ऑफ निकल इज ग्रेटर देन एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, बट एक्चुअली यहां पर क्या है एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन एटॉमिक मास ऑफ निकल। समझ में आ गया, एक्चुअली में ये हुआ, एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इस रॉ में आता है, ऐसे आता है। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा होना चाहिए निकल से, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, कोबाल्ट का ज्यादा होता है किससे, निकल से, स्लाइटली ज्यादा होता है बच्चों, उतना भी ज्यादा नहीं तो स्लाइटली ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा कौन सा था, टेलुरियम और आयोडीन, ठीक है। इसके बाद हमारा कौन सा था बच्चों, टेलुरियम और आयोडीन। तो आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में जो बनाया टेलुरियम और आयोडीन, तो इसके हिसाब से क्या था बच्चों, इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या था बच्चों, एटॉमिक मास ऑफ टेलुरियम इज लेसर देन एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन। बट एक्चुअली क्या हुआ बच्चों यहां पर समझने वाली बात है, एक्चुअली में यहां पर एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन का ज्यादा हुआ एटॉमिक मास ऑफ टेलुरियम से। इस तरीके से हमने देखा बच्चों, देखो इस चीज को ध्यान रखो आप लोग, ठीक है ना। इसी तरीके से और उस टाइम तो नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन ऑर्गन और आपके पोटेशियम में भी ऐसा वेरिएशन देखने को मिला, ऑर्गन और पोटेशियम में भी ऐसा वेरिएशन देखने को मिला। दीज आर द एग्जांपल ऑफ दिस डीमेरिट्स, ये इस डीमेरिट्स का एग्जांपल है बच्चों, आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। इसके बाद उसने क्या बोला, देयर आर नो एनी स्पेस फॉर आइसोटोप, ठीक है। इसको हमने क्या बोलेंगे, एनोमलस पेयर, इसको हम क्या बोलेंगे, एनोमलस पेयर। अब उसने
अब उसने हेलोजन के लिए अलग से ग्रुप हम बना सकते हैं, लेकिन मेंडलियम ने नहीं बनाया, ठीक है, मेंडलियम ने हेलोजन के लिए अलग से ग्रुप नहीं बनाया, इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग, ठीक है। इन मेंडलियम पीरियोडिक टेबल, ये तो आज तक प्रॉब्लम है जो अभी मैं लिखा रहा हूँ, वो आज तक प्रॉब्लम है। इन मेंडलियम पीरियोडिक टेबल वी कुड नॉट प्लेस एनी आइसोटोप, हम आइसोटोप को प्लेस कर ही नहीं सकते, तीसरा प्रॉब्लम, ये भी आज तक है, तेल नहीं हो, ये आज तक पीरियोडिक टेबल में प्रॉब्लम है, मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया, अब आपको इसका सॉल्यूशन निकाल लोगे तो बहुत बढ़िया। टिल नाउ क्या होगा, देयर आर नो एनी फिक्स्ड प्लेस फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो क्यों बच्चों, हाइड्रोजन प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन इज रिसेम्बल टू, मतलब हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन इज रीअसेंबल टू अल्कली मेटल है प्रॉपर्टी, अल्कली मेटल्स प्रॉपर्टी एज वेल एज अल्कली मेटल प्रॉपर्टी एज वेल एज हेलोजन ग्रुप्स प्रॉपर्टी, हेलोजन ग्रुप्स मतलब आप समझ जाओ आप लोग, हेलोजन फैमिली के प्रॉपर्टी से भी मैच खाती है और अल्कली मेटल की प्रॉपर्टी से भी, ये भी बहुत बड़ा आपका ड्रॉबैक था इस पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को अब अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ था, मेंडलियम पीरियोडिक टेबल में सिमिलर एटम इन डिफरेंट ग्रुप उसमें क्या किया, सिमिलर एटम्स इन डिफरेंट ग्रुप like AU and PT की तरह उसने कुछ सिमिलर एटम्स को डिफरेंट ग्रुप में रखा, जैसे आपका ये आपका आपके कौन से ग्रुप में आता है बच्चों, एट ग्रुप में आता है, और ये आपके कौन से ग्रुप में आता है बच्चों, ये आपका फर्स्ट बी ग्रुप में था, देख लीजिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से उसने सिमिलर मेटल को अलग अलग ग्रुप में रखा, बट दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, मतलब यहाँ पर क्या है, AU reassemble the property of PT, मतलब PT के प्रॉपर्टी से reassemble हो सकता है, ऐसा था। फोर्थ उसका क्या था, dissimilar atoms are present in similar group, मतलब एक ही ग्रुप में उसके dissimilar एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट थे, कौन कौन से थे बच्चों, यहाँ पर आपका था फर्स्ट ग्रुप का, अगर मैं बात करूँ ग्रुप फर्स्ट में ए और बी था, अब देखो ये ग्रुप हो गया, इसमें क्या था, मैं आपको हलीना के रब से फरियाद में यहाँ तक लिखा था, फिर इसके नीचे क्या था बच्चों, यहाँ पर कॉपर और यहाँ पर था जिंक, अब देखो इन दोनों की प्रॉपर्टी तो सिमिलर नहीं होती, तो इसको एक ग्रुप में कैसे रखा, एक ग्रुप में हम इसको रख ही नहीं सकते थे, फर्स्ट ग्रुप में, ग्रुप वाइज आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रुप वाइज आपकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है बच्चों, जब ग्रुप वाइज आपकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, तो उसको एक ही पे थोड़ी ना रख सकते, एक ही ग्रुप में नहीं रख सकते। इसी तरीके से हम लोग सोच रहे हैं बच्चों, यहाँ पर सेकंड ग्रुप हमारा कौन सा बच्चों, ये हमारा सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में भी उसने ए और बी डिसाइड किया था, ठीक है, ए में क्या था बच्चों, हमारा ए में यहाँ पर था बेटा मांगे
कार स्कूटर बाप रोहित, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या कहा था बी ग्रुप में, ठीक है, बी ग्रुप में उसने क्या कहा था यहां पर जिंक कैडमियम एचजी, ठीक है। अब ये बताओ क्या आपका जिंक कैडमियम एचजी आपका इस ग्रुप के प्रॉपर्टी से रीअसेंबल करेगा, नहीं करेगा, तो इसने इसको सिमिलर ग्रुप में रखा। ये आपका था मेजर ड्रॉबैक ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। तो उसने क्या किया यहां पर देखो, यहां पर Cu की प्रॉपर्टी ऑफ Cu एंड प्रॉपर्टी ऑफ Zn डज नॉट रीअसेंबल द प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम एंड रुबिडियम, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट प्लेस दीज एलिमेंट्स इन अ सिंगल ग्रुप, वी कैन नॉट प्लेस दीज एलिमेंट इन अ सिंगल ग्रुप। हां, वो हियर आल्सो कि जिंक कैडमियम एंड Hg डज नॉट रीअसेंबल द प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, so that's why we cannot place these element in a single group। तो ये यहाँ पर इसके drawbacks थे बच्चों, demerits थे। अब आगे जाके इस demerits को और भी verify किया गया और इस तरीके से हमारा जो last आया Moseley law के बाद, Moseley ने एक नया law बनाया और उससे related graph अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि मैं next lecture में discuss करूँगा। Moseley ने एक नया law बनाया और नया law बनाते ही हमारे पास उसके बाद एक सही पीरियोडिक टेबल आ गया, लेकिन उसमें भी आज तक हाइड्रोजन को प्लेस ना मिला, प्लेस नहीं मिला, और ना ही आपको किसको प्लेस मिला बच्चों, ना ही आपको वहां पर आइसोटोप को प्लेस मिला, लेकिन उसने एक नया पीरियोडिक टेबल बनाया और उसका स्टेटमेंट सबसे अच्छा था। अभी तक हमने क्या बोला था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, लेकिन उसने क्या बोला समझना ध्यान से, मेंडेलिव तक क्या बोला गया, मेंडेलिव ने क्या बोला, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, बट जैसे ही मोज़ले ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद क्या आया, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब वहां से एटॉमिक नंबर में कंसेप्ट खुला, जहां तक हमारा पीरियोडिक टेबल सबसे अच्छा था, और सबसे अच्छा अगर मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में हम बोल सकते हैं, मेंडेलिव को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड व्हाट, मेंडेलिव, इज कॉल्ड व्हाट, मेंडेलिव, मेंडेलिव को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब समझना न्यूलैंड के वक्त आपके 56 एलिमेंट थे, न्यूलैंड के वक्त आपके कितने एलिमेंट थे बच्चों, 56, और यहां पर आप समझना कि किसके वक्त आपके, यहां पर आपके मेंडेलिव के वक्त कितने आ गए बच्चों, मेंडेलिव के वक्त आपके 63 एलिमेंट्स आ गए। अभी और एलिमेंट्स को डिस्कवर्ड होना बाकी था, अभी और एलिमेंट्स को आपको डिस्कवर्ड होना बाकी था, तो उसकी डिस्कवरी के बाद आपके सर हेनरी मोज़ले का लॉ आया, ठीक है। तो इस तरीके से था हमारा मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। आप एक बार पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखो और इन सब प्रॉपर्टीज को देखो, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा एक ही बार में, और आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग इसको हमेशा ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे भी कुछ टर्म्स बताने वाला हूं जो कि आपके काम आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।